हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मंजीत साइंस क्लासेस। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था अबाउट सम बेसिक टर्म्स ऑफ दैट चैप्टर, चैप्टर नंबर सेकंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कपास से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में, कंडक्टर्स, इंसुलेटर क्या होते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन रहेगा हमारी आज की वीडियो के अंदर। लास्ट वीडियो आपने आई होप देख ली होगी, देन उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि कंडक्टिविटी होती क्या है, मीन्स कप्पा क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होता है, इन सब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली व्हाट इज़ कंडक्टिविटी, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, कंडक्टिविटी को हम कप्पा बोलते हैं, कप्पा बोल देते हैं, कप्पा बोल देते हैं। सो कंडक्टिविटी ही हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। अब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी क्यों बोला गया है कंडक्टिविटी को, बिकॉज जो कंडक्टिविटी है फिर कापा है उसको हम पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर चेक करते हैं। जो कंडक्टिविटी कापा है उसको 1 cm³ वॉल्यूम के अंदर चेक किया जाता है। सो फर्स्टली जैसे आप प्लस वन क्लास में पढ़ते हो कि जो मीटर है वो बेसिक यूनिट है हमारी लेंथ की, kg है वो बेसिक यूनिट है हमारी मास की। सो वैसे ही जो कंडक्टिविटी कापा है उसकी जो बेसिक यूनिट है जिसके अंदर हम उसको मेजर करेंगे वो है हमारी वॉल्यूम। सो वॉल्यूम के अंदर इसको चेक किया जाता है। अब वॉल्यूम कैसे, कंटेनर का वॉल्यूम, एक ऐसे कंटेनर का वॉल्यूम जिसकी लेंथ भी 1 cm हो या फिर 1 m हो, जिसकी ब्रेथ भी 1 cm या फिर 1 m हो और जिसकी हाइट भी 1 cm हो। सो ऐसा हमारे पास कंटेनर कौन सा है जिसकी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट सब इक्वल है, वो है क्यूब। सो दैट्स वाई हम यहाँ पे 1 cm³ की बात करते हैं या फिर एक बॉक्स की बात करते हैं जिसकी हाइट, ब्रेथ, लेंथ सब इक्वल होता है। सो अगर हम एक क्यूब डिस्कस करें, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं क्यूब, ये हमारे पास एक क्यूब है और इस क्यूब की जो लेंथ है वो भी 1 cm है, ब्रेथ भी 1 cm है और हाइट भी 1 cm है। सो दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूब इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीन्स 1 cm मल्टीप्लाई 1 cm मल्टीप्लाई 1 cm इज इक्वल टू 1 cm³। सो एक ऐसा कंटेनर जिसका जो वॉल्यूम है वो 1 cm³ होता है, उस कंटेनर के अंदर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, इस कंटेनर में हम जितना भी इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे उस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी जो होगी वो होगी हमारी कापा। क्लियर? सो रिपीट कर रही हूँ मैं, कापा क्या होता है, कापा हमारे पास कंडक्टिविटी है उस इलेक्ट्रोलाइट की जिस इलेक्ट्रोलाइट को हम 1 cm³ वाले वॉल्यूम के अंदर, 1 cm³ वॉल्यूम वाले कंटेनर के अंदर डालते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कोई भी एक लिक्विड लिया, से हम कोई लिक्विड लेते हैं और ये जो हमारा कंटेनर है इसकी इन वॉल्स को हमने इलेक्ट्रोड्स बना दिया। इलेक्ट्रोड्स बना दिया मतलब क्या है इसका, कि इसकी जो ये वॉल्स हैं इनको हमने कनेक्ट करवा दिया इलेक्ट्रिसिटी से, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, इनको हमने बाहर से इलेक्ट्रिक करंट के साथ अटैच कर दिया। देन हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट लिया, से NaCl। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे अभी, इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं ये भी डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया NaCl। अब जो NaCl है, अब सॉलिड फॉर्म में अगर NaCl क्या होता है, कॉमन सॉल्ट, नमक, जिसको हम अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। सो NaCl को जब हमने इस कंटेनर में डाला, अगर ये सॉलिड फॉर्म में है तो ये कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस करंट को कंडक्ट नहीं करता। करंट को कंडक्ट करने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आयंस की रिक्वायरमेंट होती है, ये भी हम अभी पढ़ेंगे कुछ टाइम के बाद। क्लियर? सो हमने NaCl लिया, NaCl को हमने मेल्ट कर लिया। अब मेल्टेड फॉर्म के अंदर जो NaCl होता है उसको बोलते हैं मोल्टन NaCl। ठीक है, हमने इसको पिघला लिया, हमने जस्ट इसको मेल्ट करना है, हमने इसके अंदर वाटर ऐड नहीं करना है, इसको डिसॉल्व नहीं करवाना है, जस्ट इसको मेल्ट करना है। जैसे ही हमने लिया NaCl, इसको पिघला लिया हमने,
किसी ना किसी वे से, और पिघले हुए NaCl को हमने डाला इस कंटेनर के अंदर, क्लियर। अब इस कंटेनर के अंदर कितना NaCl आ सकता है, 1 cm³, क्योंकि इसका वॉल्यूम ही इतना है। अब जो 1 cm³ NaCl है हमारे पास, वो कितना करंट कंडक्ट करेगा इस कंटेनर के अंदर, जितना करंट कंडक्ट करेगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो होगी हमारी कंडक्टिविटी, मीन्स कापा, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस। और जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस वर्ड यूज़ किया गया, स्पेसिफिक का मतलब होता है फिक्स, मीन्स वो इलेक्ट्रोलाइट जो कापा है, कापा एक फिक्स वैल्यू होती है किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर मैं बात करती हूँ NaCl की, जैसे मैंने NaCl लिया है, तो मैंने यहाँ पे 0.1 मोलर NaCl लिया। अब 0.1 मोलैरिटी वाला जो NaCl है, उसकी जो कापा की वैल्यू है वो हमेशा फिक्स होगी, चाहे आप कहीं पे भी इस इलेक्ट्रोलाइट को या फिर आप इस सिस्टम को यूज़ कर सकते हो। अगर आपने कंसंट्रेशन चेंज की, 0.2 मोलैरिटी आपने ली, देन कापा भी चेंज हो जाएगा, क्लियर। सो मीन्स जो कापा है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कापा डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर ऐसा क्या है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फिर ये कंडक्ट करवा रहा है। मतलब NaCl के अंदर ऐसा क्या था कि उसने करंट को कंडक्ट करवाया, तो NaCl के अंदर हमारे पास Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस थे, ये जो आयंस है ये कंडक्ट करवाते हैं करंट को, क्लियर। सो मैं बोल सकती हूँ, सो जो कापा है वो किसकी कंडक्टिविटी है, वो हमारे पास टोटल आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस है वो होती है, टोटल आयंस की कंडक्टेंस। सो कापा इज द कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल आयंस प्रेजेंट इन अ इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितने आयंस प्रेजेंट होते हैं वो हमारी कापा की वैल्यू को डिफाइन करते हैं, क्लियर। सो अगर हम इस कंटेनर के अंदर डाइल्यूशन बढ़ाएं तब क्या होगा, मींस अगर मैंने जो NaCl था उसको मैंने लिया था 1 cm³ वॉल्यूम के एक कंटेनर के अंदर, NaCl था, प्योर NaCl था। अगर मैं यहाँ से डाइल्यूशन बढ़ा दूँ, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl को कम करना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीजेस, क्लियर। NaCl की कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दें अगर हम, देन हम क्या बोलेंगे कि जो डाइल्यूशन है वो हमने बढ़ा दी। डाइल्यूशन का मतलब बेसिकली होता है उसके अंदर पानी ऐड करना या फिर कोई भी सॉल्वेंट ऐड करना। अब अगर मेरे पास 1 cm³ NaCl था, इसको इसकी मैंने कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करनी है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ NaCl निकाल लूँगी। या फिर और भी बेसिक अगर हम करें, हमने क्या एज्यूम किया, ये हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है, से हम एज्यूम करते हैं कोई मेरे पास एक गिलास है, ठीक है, जिससे हम पानी पीते हैं। मैंने बोला कि इसके अंदर जो हमारे पास टोटल लिक्विड आ सकता है वो 10 ml, हमने जस्ट एज्यूम किया इसके अंदर 10 ml लिक्विड आ सकता है, ठीक है। या फिर हम 1 ml कंसिडर कर लेते हैं, 1 ml, क्योंकि 1 ml इज इक्वल टू 1 cm³, आप यहाँ से इसको रिलेट कर पाओगे। मैंने एज्यूम किया कि मेरे पास जो कंटेनर था, जो भी ग्लास था, उसके अंदर 1 ml लिक्विड आ सकता है। मैंने कापा की वैल्यू नोट करनी है, स्टार्टिंग में मैंने क्या किया, 1 ml प्योर इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला, प्योर NaCl डाला। उस टाइम पे जो इसकी कंडक्टिविटी आई उसको हमने बोल दिया कापा, ठीक है, कोई ना कोई वैल्यू आ गई कापा की, क्लियर। उसके बाद से हमने वैल्यू मानी कापा की, क्या आई हमारे पास एक्स यूनिट्स, हम बाद में लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, देन वो यूनिट इसके पीछे आ जाएंगी। इसके बाद अगर मैंने इसके अंदर डाइल्यूशन करनी है, मतलब मैंने इसके अंदर, हम वाटर मान लेते हैं, वाटर को मैंने ऐड करना है, अगर मैंने इसके अंदर वाटर ऐड करना है तो मेरे को कुछ ना कुछ अमाउंट NaCl की कम करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा कंटेनर एक ऐसा कंटेनर मैंने लिया हुआ है जिसके अंदर ओनली 1 ml ही सब्सटेंस आ सकता है। अगर इसके अंदर पहले ही 1 ml NaCl है तो मैं इसके अंदर और ऐड नहीं कर सकती, अगर मैं और ऐड करूँगी तो ये सारा बाहर गिर जाएगा, ग्लास भरने के बाद पानी जैसे बाहर निकल जाता है वैसे ही पानी बाहर निकल जाएगा यहाँ से भी, तो हमारा जो मटेरियल है वो वेस्ट होगा। सो हमने क्या करना है, पहले 1 ml जो NaCl था उसको मैंने हाफ कर लिया, मैंने आधा बाहर निकाल दिया दूसरे कंटेनर में, मेरे पास अब जो NaCl बचा वो बचा 0.5 ml NaCl, क्लियर।
मेरे पास क्वांटिटी हाफ होगी। देन मैंने इसके अंदर क्या किया, 0.5 ml वाटर ऐड कर दिया, क्लियर, 0.5 ml वाटर ऐड कर दिया दोबारा। अब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी, 1 ml होगी, 0.5 ये, 0.5 ये, टोटल कितना हो गया 1 ml। अब हमने इसके अंदर चेक किया कि कंडक्टेंस क्या आएगी, जो कापा की वैल्यू वो क्या आएगी, देन हमने पाया कि जो कंडक्टिविटी है, जो कापा है वो डिक्रीज कर रहा है, कंडक्टिविटी कापा डिक्रीज हो रही है जैसे ही हम डाइल्यूशन को इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे ही डाइल्यूशन को इंक्रीज किया कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। सो ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है कि जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो रही है, बिकॉज जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl के ऊपर हमारी जो कंडक्टिविटी कापा की वैल्यू है वो डिपेंड करती है। और जब हमने डाइल्यूशन की, मतलब हमने वाटर ऐड किया, तो हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो 1 ml से घटकर 0.5 ml आ गई, किसकी, NaCl की। अगर हम एज्यूम करते हैं मेरे पास 1 ml NaCl के अंदर टोटल 10 Na पॉजिटिव थे और 10 ही Cl नेगेटिव थे, अगर हम जस्ट एज्यूम करते हैं कि 1 ml इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मेरे पास 10 Na पॉजिटिव थे, 10 Cl नेगेटिव थे, बट जब मैंने इसको हाफ किया, मैंने 0.5 रखा, देन क्या होगा, इनकी वैल्यू हाफ हो जाएगी। सो हमने एज्यूम किया कि यहाँ पे मेरे पास 5 Na पॉजिटिव रह गए और 5 Cl नेगेटिव रह गए। अब कापा की वैल्यू किसके वजह से थी, नंबर ऑफ आयंस की वजह से थी, कितने ज़्यादा आयंस हैं, कितना पॉजिटिव है नेगेटिव चार्ज है, किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, ओनली इलेक्ट्रोलाइट का चार्ज कंसिडर करते हैं इन केस ऑफ कापा, ये चीज़ ध्यान रखना, कापा के अंदर ओनली इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है हमारी जो कंडक्टेंस है वो। सो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के जो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो गई, इसी वजह से हमारी जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी जब हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, मतलब जब मैं उसके अंदर पानी ऐड करती रहूँगी जो NaCl की वैल्यू है वो कम होती रहेगी, और NaCl की वैल्यू कम होने की वजह से जो कापा की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्लियर, इतना ये चीज़ ध्यान रखना। कापा के अंदर, मतलब कंडक्टिविटी के अंदर या फिर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के अंदर जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन 1 ml या फिर 1 cm³ के अंदर जितना भी इलेक्ट्रोलाइट है उसके कितने नंबर ऑफ आयंस हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगी हमारी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, क्लियर। सो नाउ, अब हमने एक वर्ड यूज़ किया था इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सो हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट हैं, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे पास। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो इलेक्ट्रोलाइट है जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं, कंप्लीट आयनाइज हो जाएंगे, कब आयनाइज हो जाएंगे, जब इनको हम किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डाल लेंगे, क्लियर, किसी भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं देन ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल HCl, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, वो सभी हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। HCl है तो HCl का डिसोसिएशन कैसे होता है, एज पॉजिटिव Cl नेगेटिव, क्लियर, मतलब अगर हमने यहाँ पे 100 ml HCl लिया है तो 100 ml का 100 ml ही डिसोसिएट होगा, ऐसा नहीं है कि 5 ml HCl बच जाएगा, क्लियर, कंप्लीट डिसोसिएशन होती है। क्या क्या हो सकता है इसमें, HCl, H2SO4, HNO3, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं सभी आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस हैं लाइक NaOH, KOH, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जो भी है हमारे पास लाइक KCl, NaCl, ये सब क्या है, हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कम्प्लीटली आयनाइज होंगे, पूरा पूरा टूटेंगे, यहाँ से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव हमारा बनेगा, यहाँ से K पॉजिटिव Cl नेगेटिव हमारा बनेगा, H2SO4 में 2H पॉजिटिव प्लस SO42 नेगेटिव हमारा बनेगा, मतलब कम्प्लीटली डिसोशिएट होगा टोटल SO42 नेगेटिव, क्लियर, यहाँ पे SO42 नेगेटिव आएगा। एंड नाउ
वीक इलेक्ट्रोलाइट ये पार्शली डिसोशिएट होते हैं, पार्शली डिसोशिएशन होगा इसका, या फिर पार्शली आयनाइज होते हैं, ये आधे टूट जाते हैं आधे रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट, जो भी है वो सब आ जाएंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। लाइक अगर हम बात करें एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, वीक सॉल्ट हमारे पास आ जाएगा HCN, H पॉजिटिव CN नेगेटिव के अंदर ब्रेक होता है ये, देन NH4OH, Al2Cl3, ये भी हमारे पास सॉल्ट है। सो यहाँ से अगर हम बात करें CH3COOH इसके डिसोसिएशन की, सो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। मींस अगर हमारे पास, हम एज्यूम करते हैं 100 ग्राम हमने लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड हमने 100 ग्राम लिया, सो इसमें से ये टूटेगा हमारा CH3COO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव में, बट जिस टाइम ये ब्रेकडाउन होता है ये कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होता। जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ती है वैसे वैसे इसका जो ब्रेकडाउन है वो बढ़ता है, ये हम आगे के लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। सो CH3COOH हमने अज्यूम किया कि जो ये डिसोसिएशन है ये हमारी हुई 60 ग्राम की, मतलब जो मेरे पास 60 ग्राम CH3COOH है उसने टूट के हमें CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव दे दिया, बट 100 के अंदर से 60 डिसोसिएट हुआ है, बचा कितना 40 ग्राम। 40 ग्राम हमारा जो CH3COOH है वो अभी भी इसी फॉर्म में पड़ा हुआ है, ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होता, क्लियर। सो जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते वो होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, और जो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, आयनाइज हो जाते हैं कम्प्लीटली, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्लियर। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर क्या होते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, सो कंडक्टर क्या होते हैं, जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, मीन्स जो अपने अंदर से करंट को पास होने देते हैं, थ्रो विच इलेक्ट्रिसिटी पास, जिनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, लाइक मेटल्स हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं जितनी मेटल्स हैं, बट इंसुलेटर जो करंट को फ्लो नहीं करने देंगे, करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी डजंट पास, ये अपने अंदर से करंट को पास नहीं करने देंगे। लाइक हमारे पास ग्लास है, रबड़ है, कुछ हमारे पास ऐसे जो सब्सटेंसेस एलिमेंट्स हैं वो होते हैं जो करंट को पास नहीं करने देते, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, एक ही नॉन मेटल ऐसा है जो करंट को पास करने देता है, लाइक ग्रेफाइट जो हम पढ़ते आ रहे हैं स्टार्टिंग से, क्लियर। सो हमारे पास दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, यहाँ से इंसुलेटर तो हमसे पूछा नहीं जाएगा, बट जो कंडक्टर हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट इज मेटैलिक कंडक्टर एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। एंड नाउ टाइप्स ऑफ कंडक्टर, सो हमारे पास दो टाइप के कंडक्टर होते हैं, मेटैलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सो डिफरेंस क्या है मेटैलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में, टॉपिक इंपॉर्टेंट है हमारा ये, कई बार बोर्ड के अंदर पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटैलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। सो डिफरेंस क्या रहेगा, मेटैलिक कंडक्टर वो कंडक्टर हैं जो करंट को कंडक्ट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स अगर हम बात करते हैं मेटैलिक कंडक्टर की, सो मेटैलिक कंडक्टर हमारे पास वो कंडक्टर होंगे जिनके अंदर करंट फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो करेगा। सो फर्स्टली नाम से ही क्लियर होता है हमें कि हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ, मेटैलिक कंडक्टर मीन्स वो कंडक्टर जिनके अंदर मेटल है। अब स्टार्टिंग से यहाँ पढ़ते आ रहे हो, अगर कोई भी मेटल है, मेटल क्या होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर होती हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। अब मेटल के ऊपर लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस किया है, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रो पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है, जब वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं, मतलब इनकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की,
अगर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगी तो इनके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही हैं, मींस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से निकाल रहे हैं मेटल्स, वही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं और उनके फ्लो के वजह से ही हमारे जो मेटालिक कंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, फिर करंट को कंडक्ट करते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर करंट तो कंडक्ट होता है बट ड्यू टू आयन्स होता है। यहाँ पे हमारे पास आयन्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे नाम क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, वो कंडक्टर जिनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने लास्ट क्या डिस्कस किया था टॉपिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो इलेक्ट्रोलाइट जो भी हमारे पास, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, उसके बेसिस पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की कंडक्टेंस आती है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है कंडक्टेंस कम आएगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है कंडक्टेंस ज़्यादा आएगी। क्लियर? बट जो इलेक्ट्रोलाइट है उनके अंदर क्या होता है, आयन्स होते हैं, आयन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव आयन होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज नो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस बाय पासिंग करंट। जैसे ही हमने करंट पास किया तो वहाँ पे कोई भी सब्सटेंस की डिकम्पोजिशन नहीं होती। फॉर एग्जांपल, हमने अभी गर्मियों का टाइम है, हमने कूलर लगाया, हम रात को कूलर लगा के सो गए या फिर हमने एसी ऑन करके सो गए हम, तो ऐसा तो नहीं है ना कि रात के अंदर जो एसी की वायर है वो हमारी ख़त्म हो चुकी है, या फिर जो हमारा कूलर था जिस वायर के थ्रू उसमें करंट आ रहा था वो वायर ही हमारी ख़त्म हो चुकी है, वो यूज़ अप होगी सारी। या फिर मोस्टली हम क्या करते हैं, रोड लगाते हैं या फिर गीज़र लगाते हैं, तो जो रोड हमारी बनी होती है, क्या कभी ऐसा देखा है कि हमने बाल्टी ली उसके अंदर हमने कोई भी रोड लगाई और रोड लगाने के कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि पानी गर्म हो गया होगा तो हमें रोड मिली ही नहीं, ऐसा कभी हुआ है? कभी नहीं होता ऐसा, क्योंकि जो हमारे पास मेटालिक कंडक्टर हैं उनके अंदर जो हमारा मैटर है वो यूज्ड अप नहीं होता, वो सिर्फ कंडक्ट करवाने का काम करता है, वो सिर्फ करंट को पास करने का काम करता है, ये मैटर हमारा डिकम्पोज नहीं होता, नहीं टूटता। क्लियर? बट अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के अंदर जो हमारा केमिकल है वो डिकम्पोज होता है जैसे ही हमने करंट को पास किया। लाइक अगर हमने NaCl लिया है तो NaCl करंट पास करवाने की वजह से टूट जाएगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर, देन ये फ्लो करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की साइड जाएगा और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, रजिस्टेंस इज ड्यू टू कोलिजन विद कर्नल्स। सो जो रजिस्टेंस है यहाँ पे वो किसकी वजह से होता है, कर्नल्स की वजह से होता है। यहाँ पे एक नई टर्म आई है कर्नल्स, ये कर्नल्स क्या होते हैं, रेजिस्टेंस आर किसकी वजह से होता है, कर्नल्स की वजह से। मींस अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर है, फॉर एग्जांपल मैं एज्यूम करती हूँ मेरे पास ये कोई भी वायर है, कोई भी कॉपर की वायर है जो करंट को कंडक्ट करवाती है। अब जो ये कॉपर की वायर है इसके अंदर जो करंट कंडक्ट कर रहा है ये किसकी वजह से कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। या फिर हम बोलते हैं कि जो हमारी वायर है इसके अंदर क्या होंगे, कोई भी ये मैटर है, मैटर के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे, हमने अज्यूम किया ये क्या है, एटम्स हैं। अब एटम्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे ही हमने इसको पोटेंशियल दिया बाहर से, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, हम ये सिंपल बोल देते हैं कि हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करवा दिया, तब क्या होगा, जैसे ही एटम को करंट मिलेगा तो करंट मिलने की वजह से ये क्या करेंगे, गर्म हो जाएंगे। या फिर मैं ये बोल लूँ कि जो मेरे पास एटम है इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, किसने किया, इलेक्ट्रॉन ने किया। जब जैसे आप प्लस वन क्लास में पढ़ते हो बोहर मॉडल के अंदर हमारे पास क्या होता है, के एलिमेंट शेल होती है। अब जो हमारे पास के शेल है, अगर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस है, ये के शेल है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है, जैसे ही हमने बाहर से एनर्जी दी, बाहर से किसी फॉर्म में एनर्जी दे सकते हैं, हम इसको हीट भी कर सकते हैं, सन रेडिएशन से भी एनर्जी दे सकते हैं, या फिर हम इसके अंदर करंट भी पास कर सकते हैं। सो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेगा, इसने एनर्जी ली, इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, हर सेल की एनर्जी अलग अलग होती है, के वन की हम मान लेते हैं ई वन है, के की हम एल की मान लेते हैं ई टू है, और एम की हम मान लेते हैं ई थ्री है। प्लस वन क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हो जो एनर्जी है लोएस्ट लेवल की वो कम होती है, ई वन सबसे कम है, देन ई टू ज़्यादा है, और ई वन ई थ्री सबसे ज़्यादा है। क्लियर? सो अगर K
के शेल के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की कहाँ से, जहाँ से हम बाहर से उसको एनर्जी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं या फिर हम उसको हीट अप कर रहे हैं। तो जैसे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज़्यादा होने के बाद क्या करेगा, वो जंप कर जाएगा अपने हायर एनर्जी लेवल में। अब वो डिपेंड करता है उसने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है। अगर उसने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की है कि उसकी जो एनर्जी है वो E2 के इक्वल हो गई, तो वो सेकंड वाली शेल में चला जाएगा। अगर उसने और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की है देन वो थर्ड वाली शेल में चला जाएगा। अगर इससे भी ज़्यादा की है देन वो नेक्स्ट शेल में चला जाएगा। क्लियर? सो जैसे ही एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, तो एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से वो एक्साइट हो जाएंगे। मीन्स यहाँ से जो एटम है इनके अंदर से जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल जाएंगे। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बाहर आई, क्लियर, हमने नेगेटिव चार्ज दिया हुआ इस साइड से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन ने मूव करना शुरू कर दिया नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉन की अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करेगा, करंट मूव करेगा। सो यहाँ पे करंट मूव करना शुरू कर देते हैं। किसकी वजह से करंट मूव है, इलेक्ट्रॉन की वजह से, यही होते हैं हमारे मेटालिक कंडक्टर। अब हमने बात क्या की है कि जो रेजिस्टेंस है वो होता है ड्यू टू कर्नल्स। अब जैसे ही मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब जब एटम था हमारे पास उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसके ऊपर क्या चार्ज बचेगा, पॉजिटिव चार्ज बचेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, मेरे पास सोडियम मेटल है, ये हमारे पास सोडियम मेटल है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मतलब इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन है, 11 ही प्रोटॉन है। क्लियर? अगर सोडियम मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बच गए। प्रोटॉन कितने बचे, 11 ही, क्योंकि प्रोटॉन तो नहीं निकाला इसने। तो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन को जब हम आपस में न्यूट्रलाइज करते हैं तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नेगलेक्ट कर देते हैं, फिर न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बट एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा बच जाता है। और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। सो जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, हमारे पास जो एटम है इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो हमारे पॉजिटिव चार्ज एटम्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स। क्लियर? उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स। सो कर्नल्स की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस होगा। अब कर्नल्स क्या करते हैं, वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जैसे नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन टेम्परेचर इंक्रीजेस। जैसे ही हमने रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज किया, अब मैं इसको और ज़्यादा टेम्परेचर दूंगी, और ज़्यादा टेम्परेचर दूंगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहेंगे, मूव करते रहेंगे। उसके बाद जो कर्नल्स हैं ये भी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से अपनी इसी पोजीशन पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, हिलना शुरू करेंगे ये। अगर सारे कर्नल्स ऐसे हिलना शुरू कर देंगे, मूव करना शुरू कर देंगे, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था पहले ईजिली, उसके अंदर ऑब्स्टेकल्स आ जाएंगे, उसके अंदर उसकी जो रास्ता है उसको ये मुश्किल कर देंगे मूव करना, एक तरह से हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस क्रिएट कर देंगे, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर देंगे। सो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है या फिर जो करंट का फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। कब, जब हम करंट को इंक्रीज करेंगे या फिर जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। क्लियर? बाहर से जो टेम्परेचर दे रहे थे या फिर जो इलेक्ट्रिक करंट दे रहे थे, जैसे उसकी वैल्यू हमने इंक्रीज की, जो कर्नल्स हैं उन्होंने वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। और जैसे ही कर्नल वाइब्रेट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को स्टॉप करना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को वो रोकेंगे, उनको इजीली मूव नहीं करने देंगे। क्लियर? सो दैट्स वाई जैसे ही टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, या फिर मैं ये बोल सकती हूँ जैसे ही हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया जो कंडक्टेंस है वो डिक्रीज करेंगे। क्लियर इतना? नाउ इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन। अब जो सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन है उसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है उसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, मीन्स ऑब्स्टेकल क्रिएट हो जाते हैं जो करंट को मूव नहीं करने देते। सो सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन कैसे होगा, लाइक हमने एग्जांपल लिया NaCl। हम ज़ूम करते हैं, हमारे पास कोई भी एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने क्या लिया, दो इलेक्ट्रोड को लिया। अब इलेक्ट्रोड्स हैं तो इनको हमने कनेक्ट किया बैटरी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ। क्लियर? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अगर ये नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। और अगर ये पॉजिटिव से अटैच है तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव। क्लियर? बात करें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर की, सो इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट। ये हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, हमने एज्यूम किया इलेक्ट्रोलाइट, हमने लिया NaCl। अब NaCl इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका मतलब क्या है, जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या होगा, ब्रेक होगा। किसमें होगा, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। सो मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस पड़े होंगे।
क्लियर। अब हमने फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ा, सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट एंड सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगी। अब जो NaCl है ये क्या है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब इसके अंदर एक फोर्स लगता है, मतलब जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, आयनिक फोर्स होता है जो इन दोनों को पास पास रखता है, क्लियर। अब अगर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में फोर्स है तो ये फोर्स इनको मूव नहीं करने देगा, मतलब दूर दूर नहीं जाने देगा। अब अगर हम इनको एक इलेक्ट्रोड वाले कंटेनर में डालते हैं, इलेक्ट्रोड्स को हमने बैटरी से कनेक्ट करवा दिया, अब जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके ऊपर क्या आ गए, चार्ज आ गए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की साइड जाना चाहेगा, टेंडेंसी होती है नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव की साइड जाना चाहेगा, बट ये जा नहीं पा रहे, क्यों नहीं जा पा रहे, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स है, क्लियर। सो जा नहीं पा रहे, जब तक आयंस प्रॉपरली मूव नहीं करेंगे तब तक हमारी कंडक्टेंस नहीं होगी, क्लियर। सो यहाँ से ये रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। सेकेंड इज सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन। अब सोलवेंट सोल्यूट इंटरेक्शन क्या होती है, अब जैसे हमने कोई भी एक सोलवेंट ऐड कर दिया, लाइक इसी के अंदर हम लेते हैं कि हमने वाटर ऐड कर दिया, NaCl हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट था, सोल्यूट था, इसके अंदर हमने वाटर ऐड कर दिया, तो यहाँ पे क्या होता है, जो Na पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमारा पड़ा हुआ है इसको जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो सराउंड कर लेते हैं, वो इसको चारों ओर से घेर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट, ठीक है, या फिर सॉल्वेशन इफेक्ट। सो अगर वाटर के मॉलिक्यूल इस Na पॉजिटिव को चारों साइड से घेर लेंगे तो इस Na पॉजिटिव को ये मूव नहीं करने देंगे, सो इस वजह से हमारी जो कंडक्टेंस है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट थर्ड आता है सोलवेंट इंटरेक्शन, सोलवेंट एंड सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन। अब सोलवेंट सोलवेंट के बीच के इंटरेक्शन को पढ़ने के लिए हम डिस्कस करते हैं विस्कस फोर्स को। अब दो सोलवेंट है मेरे पास, उन दोनों सोलवेंट के अंदर अलग अलग सोलवेंट लेते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं हनी एंड वाटर, जैसे मोर विस्कस की बात करें तो हमारे पास क्या है, हनी, शहद, एक साइड शहद लो एक साइड पानी लो, अगर हम दोनों को एक साइड एक जगह से फ्लो करना शुरू करते हैं, करवाना शुरू करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वाटर जल्दी फ्लो कर जाता है और हमारा जो हनी है वो आराम से मूव करता है। क्यों मूव करता है, क्योंकि जो हनी के पार्टिकल हैं उनके बीच में फोर्स ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा गाढ़ा होता है, उसके जो पार्टिकल है वो पास पास होते हैं। सो जिसके पार्टिकल पास पास होंगे उनके अंदर से जो आयंस हैं वो स्लोली मूव करेंगे, उनका जो मोशन है वो स्लो होगा, जितना ज़्यादा स्लो मोशन होगा उतनी कम कंडक्टेंस होगी, क्लियर। बात करते हैं मोर विस्कस, सॉरी लेस विस्कस, मतलब जिसकी विस्कोसिटी कम है, जो कम गाढ़ा है, लाइक हम एग्जांपल लें वाटर। सो वाटर के अंदर क्या होता है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता कि वो मूव ही ना कर पाए, तो इनके बीच में जो आयंस है वो ईजिली मूव कर जाते हैं। अगर आयंस ईजिली मूव कर जाएंगे तो हमारी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगी, क्लियर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे जो हमारी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होगी। कैसे डिक्रीज होगी, फॉर एग्जांपल जैसे हमने ये कंसीडर किया हुआ यहाँ पे NaCl, अगर मैं इसको हीटअप करूँ, इस सॉल्यूशन को हमने हीट करना शुरू किया, यहाँ से हम इसको हीट कर रहे हैं, क्लियर। हीट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, हीट करने की वजह से जो सॉल्यूशन है हमारा या फिर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने लिया था वो वार्म अप हो जाएगा और इसके जो पार्टिकल्स थे या फिर हम ये बोले कि जो आयंस थे उनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा। अगर बीच का बॉन्ड टूट जाएगा तो Cl नेगेटिव आराम से पॉजिटिव की साइड जा पाएगा और Na पॉजिटिव आराम से नेगेटिव की साइड जा पाएगा, इजिली आयन मूव करने लगेंगे और इजिली आयन मूव करने लगेंगे तो हमारी जो कंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगी, क्लियर। सो हम बोल सकते हैं जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज होगा हमारी जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, क्लियर। ये था हमारा टाइप्स ऑफ कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, क्या क्या उनके बीच में डिफरेंस होते हैं, कैसे वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। आई होप आपको वीडियो समझ आई हो, अगर कोई भी प्रॉब्लम है देन आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंडक्टिविटी, इट मीन्स दैट मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।